पूड़ियाँ बन रही है बढ़िया से। आसपास की जो महिलाएं हैं, परिवार की जो महिलाएं हैं, वो बना रही है पूड़ियाँ, और देखो कितनी बढ़िया है। वाह यार, उनका क्या क्या डाला है इसमें? इसमें काजू, किशमिश, बादाम, चावल भी डाले? नहीं डाले चावल, डाले क्यों नहीं डाले? क्योंकि इसमें बहुत ऊपर से माल जाता दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, चावल डाला पहले तो दूध में पका लिया इसको काफी। मनुष्य जब पैदा होता है तो एक दिन उसने मरना ही है। जब वो मर गया तो मनुष्य जो और आदमी जिन्होंने उसको देखा उन्हें बोला यार वो तो ऐसा करता था तो हम क्यों ना करें, तो उसको देवता मान करके उसके आचरणों का ये वहाँ पर पालन करने लगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि आज हमारे गांव में है चमू देवता की पूजा। तो ऊपर हरदा लोग हैं, हरदा और नंदुदा लोगों के घर में चमू देवता की पूजा है, तो उन्होंने आज रखवाई है पूजा मतलब। तो पहले आपको चमू देवता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। चमू देवता हमारे उत्तराखंड की एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवता है, जिनको पशुपालकों का देवता कहा जाता है, यानी कि एक तरह से पशुओं का मतलब जो जानवर होते हैं हमारे, उनका देवता कहा जाता है। और उनकी कृपा जब जानवर पर बनी रहती है तो जानवर की हमेशा रक्षा होती है, और वो जानवर पशुपालक को फलित होते हैं, यानी कि उसके लिए लाभदायक होते हैं। कहते हैं कि जब पांडव आए थे अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे उत्तराखंड और नेपाल के आसपास, तो वहाँ उन्होंने एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है। गुमदेश एक जगह है चंपावत और नेपाल सीमा के आसपास में, तो वहाँ पे पांडवों का बनाया एक बहुत ही बढ़िया मंदिर है जो कि चमू देवता का है। और चमू देवता की मूर्ति की कल्पना की गई है जो पशुपतिनाथ मंदिर है कहाँ पे, नेपाल में, उससे, क्योंकि उनकी जो मूर्ति है वहाँ पर, जो शिव की मूर्ति है उसकी भी चार मुँह है, और जो चमू देवता कहते हैं चार मुंह वाले देवता उनको भी कहा जाता है, उनकी भी जो मूर्ति होती है चार मुंह वाली होती है। तो फिलहाल अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से पूजा वूजा होगी और क्या क्या वहाँ पे व्यवस्था है। तो चलता हूँ, अभी अपने घर में बैठा था, सुबह के बजे हैं 7:30, तो ऊपर को चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर को जा रहा हूँ और यह है बाखली। बाखली में कभी सुनसानी रहती है और कभी कभी कोई कोई लोग भी दिख जाते हैं, जैसे अभी जो है ताईजी है। और ताईजी क्या कर रही है, जरा देखता हूँ। अच्छा, तो ये तोड़ रही हैं यार जी, है क्यों कौन? ये भून, ये भून तोड़ रही हैं, मतलब जो ये है दोस्तों, ये वाला हिस्सा है जो मिर्च का, उसको अलग कर रही हैं दराती से ताईजी। खूब खुशियाँ हरे यार हमारे, हम अल्लाह हरे लेकिन इतनी हरे। तो दोस्तों देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बाहर इन्होंने मिर्ची यहाँ भी सुखा रखी है थोड़ी बहुत, और ये देखिए फूल भी लगाती हैं ताई जी, फूल लगाने का भी शौक है इनको तरह तरह के। ये किस मजेठी मजेठ कुनी है। तो अभी चलते हैं, फिर ऊपर को देर हो रही है, हाँ फिर करूँगा आपसे कभी बात। कब तक बात करूँ ना बढ़िया बने, कब तक भल के बात करूँगा, वह जानू काम करो। तो दोस्तों अभी हम नंदुदा के यहाँ पे पहुँच गए हैं, नंदुदा तो मस्त चाय पी रहे हैं, लेकिन यहाँ बढ़िया काम वाम हो रहा है। ये देखिए सब्जी अब्जी कट गई है, तो दोस्तों फिलहाल ये तो जाने लग रहे हैं मंदिर को। आप देख सकते हैं भाभी जी हैं, और उन्होंने बढ़िया सा जो है कुमाऊनी परिधान पहन रखा है, पिछौड़ी उड़ रखी है, और सर में डलिया है, डलिया में पूजा का जो है सामान वामान भी रखा है। तो भैया लोग सारे ऊपर को जा रहे हैं मंदिर में, और हम लोग यहीं पे रहेंगे जहाँ इनके घर में मतलब काम वाम भी हो रहा है, और कोई पुराने लोग मिलते हैं तो उनसे मैं कहानी भी जानूंगा चमू देवता की। तो जी अभी आटा लग रहा है, पूड़ी भी बनेंगी। ये देखिए हमारे रोहित भाई लगे हुए हैं आटा लगाने में, काफ़ी मेहनती आदमी है यार। ये देखिए दोस्तों,
कौन लग रहा रोहित? बढ़िया बढ़िया हर्षा। तो दोस्तों ये है ताऊ जी और यहीं पे आए थे जहाँ पे चमू देवता की पूजा हो रही है, तो इनसे कुछ जानते हैं कि इनको क्या क्या इसके बारे में पता है। ताऊ जी कैसे हो? बस बढ़िया हो, भगवान की कृपा से अच्छा है। स्वास्थ्य पानी कैसा है? स्वास्थ्य पानी ठीक ही है। बताओ क्या क्या मालूम है आपको इसके बारे में? इसके बारे में मेरे को मालूम ये है कि जैसे ये चमू देवता है, इसको देवता कब से मानते हैं, ये इसी कलयुग में स्टार्टिंग में ये एक जंगल में जो गाय भैंसे चराते थे उनके साथ रहता था, गाय भैंसों की ये उनकी रक्षा करता था। रक्षा करते करते जब वो हुआ तो ये बहुत वो हुआ, ये घास कबूस वहाँ ला करके जंगलों में अपने गाय भैंसों को चुगाता था। चुगाते चुगाते इसको ध्यान आया कि इनकी मैं रक्षा करूँ, तो वो रक्षा करते करते या लास्ट में जब ये वो हुआ तो उन्हीं से उनका जब वो गाय या भैंस गाभिन होती थी तो उनका दूध ये तब तक नहीं खाता था जब तक ये भगवान के नाम पर उनको चढ़ाता नहीं था। तो इसके उधर जहाँ पर ये रहता था, जो हमारे जंगलों में वो गाय भैंस के लिए कुटिया बनाते हैं, छानी, और उधर पर एक ये होता है उसको बोलते आग जहाँ पर जलाते थे, वो चारों तरफ से बंद रहता है, उसके चारों तरफ है, बीच में वहाँ बड़ी बड़ी लकड़ियाँ डाल करके रात भर इनके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता था। उसी आग की गर्मी से गाय भैंसे भी रहती थी, ये भी रहता था, उन्हीं के अगल बगल ये लोग सोते थे। गाय जब ब्याह गई तो उसका ये दूध का क्या करते थे, जिस प्रकार मनुष्य अपने बच्चा होने पर 11 या 12 दिन में नामकरण करते हैं, वैसे ये गाय भैंस का भी नामकरण करते थे। तब तक उस दूध को ये इस्तेमाल में नहीं लाते थे, जब नामकरण हो गया उसके बाद उसी दिन वो जो कुछ बनाना है, खीर दही या जो भी है उनके पास, उसको पहले अग्नि में एक देवता का पत्थर रखे होता है जिसको देवता मानते थे, उसको चढ़ाते थे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद 22 दिन तक फिर उसको वैसे ही रखते थे, जिस प्रकार नामकरण तक वो रखा उसी प्रकार 22 दिन तक, 22 दिन में उसका बैसो, हमारे भाषा में बोलते हैं बैसो, बैसो करते थे। उसके बाद उस दूध का इस्तेमाल अपने परिवार में करते थे, तो ये उनकी रक्षा करता था, उनका ग्वाला रहता था, जंगल में चीते भालू ये होते हैं उनसे गाय भैंसों को बचाता था, और रात में उनको अपनी कुटिया में ले कर आता और वहीं बात देता था। बाद में जब ये सब कुछ हो गया, होने के बाद वो धीरे धीरे, बेचारा आप कब तक है, मनुष्य जब पैदा होता है तो एक दिन उसने मरना ही है, जब वो मर गया तो मनुष्य जो और आदमी जिन्होंने उसको देखा उन्हें बोला यार वो तो ऐसा करता था तो हम क्यों ना करें, तो उसको देवता मान करके उसके आचरणों का ये वहाँ पर पालन करने लगे, उसके जो गुण थे उन गुणों को लेकर के ये वैसे ही प्रतिक्रिया हर आदमी करता है। आज भी हम हमारे इस पहाड़ी इलाके कुमाऊँ और गढ़वाल में, और तो और जातों में हमने देखा नहीं है प्रांतों में, सिर्फ हमने उत्तरांचल और गढ़वाल में देखा है, तो इस चमू देवता के नाम पर कुमाऊँ में चमू देवता का नाम है, गढ़वाल में इसका कोई नाम और होता होगा वो भी हमको उतना मालूम नहीं है, लेकिन वैसी पूजा वो भी करते हैं जैसे हम करते हैं 22 दिन तक, वो भी करते हैं। ये गाय भैंसों को करके के ऐसे ही ग्वाला रखा, ग्वाला के कारण ही इसको देवता का रूप मिला, तो लोग देवता हो गए, फिर लोग सारे इसको देवता ही मान। तो क्या क्या इनके मंदिर में पूजा होती थी, क्या क्या चढ़ाते हैं? यहाँ पर उस समय जब होते हैं, जो जैसे मैं हूँ, मेरी यदि गाय आए ब्याई तो मैं जब तक वहाँ चमुथान में इसके मंदिर में, जो मंदिर हमने स्थापना की है उस मंदिर में, जब तक इसका दूध न चढ़ाए तब तक उसको खाने में इस्तेमाल नहीं करते। तो मुझे वहाँ पर चढ़ाने के लिए इसको चाहिए था, इसका भोजन था कि जैसे रोटी, ये वहाँ जंगलों में तो अब उस समय तेल का साधन था नहीं, तो रोटियाँ ही बनाते थे, और क्या नाम कहते हैं, दही घी, और इससे ही अपना वहाँ पर पेट पूजा करता था। गाय ब्याने के बाद जब उसको देवते को चढ़ा दिया, उसके बाद तब ये अपना वो सारा वो
कार्य करने के बाद ये फिर वो करता था कि ये प्रथा, वो फिर उसी को देख करके बाकी हम लोगों ने भी वही प्रथा की, हमारे बुजुर्गों ने, और उन्होंने तब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा था। वो बेचारा एक ग्वाला था, जब उस समय क्या होता था जो जंगलों में हम भैंस चराने गाय चराने के लिए झोपड़ियाँ बनाते हैं, उस झोपड़ियों में ये गांव वालों के गाय भैंस को भी ले जाता था और उनकी रक्षा करता था। रक्षा क्या है, जंगली जानवरों से, कभी चीते आ गए तो उनके साथ ये बैठा रहता था और उनके साथ एक इसके साथ इसका एक कंबल चाहिए, कंबल ये अपना ओढ़ करके जहाँ कहाँ भी उनके साथ, बरसात में उसको बरसाती का इस्तेमाल करता है, सर्दियों में ये आभूषण का काम कर लेता है, नहीं ये उसका कंबल का मतलब रजाई गद्दे के इस्तेमाल में कर लेता है, बाकी अपने पाप को रखता नहीं है। उस समय सारी दुनिया ना ये कुमाऊँ गढ़वाल में ज़्यादातर गरीबी रहते थे, तो आज भी इसको कुल्हाड़ी वगैरह, हाँ वो इसलिए क्योंकि अपने लकड़ी फाड़ने के लिए कुल्हाड़ी इसको रखना ही है, गाय भैंसों को घास चराने के घास देने के लिए, क्यों दिन में तो वो चुग लेते थे घास, अब रात में भी उनको थोड़ा बहुत चाहिए, जिस प्रकार हम शाम को रोटी खा के सो जाते हैं उसी प्रकार वो भी सोचता था कि एक आध गठरी इनको दे दूं और ये आराम से रात में रहेंगे, तो घास काटने के लिए इसको वो चाहिए था दराती, तो दराती भी इसको चढ़ती है, और चिमटा है, चिमटा भी इसको चढ़ता है, चिमटा किस लिए कि इसका रौन होता है, उस आग जहाँ पर जलाते हैं उसको रौन बोला जाता था, एक तरह की धोनी, हाँ धोनी जैसी, तो उसमें कोयलों को निकालने के लिए, कोयलों को इधर उधर करने के लिए उस चिमटे का था, इसलिए वो चिमटा भी इसको दिया था। ये उस समय हिंदू टाइप का आदमी था, ये जनेऊ भी पहनता था, इसलिए इसकी पूजा में जब हम जाते हैं एक जनेऊ भी चढ़ाते हैं, और जब उधर वो करते थे तो अब हर समय उस आदमी को इतना वो नहीं है कि वो बकरी चढ़ाए या वो करे, तो वो क्या करते थे, एक नारियल रख देते, नारियल से क्या होता था, नारियल को माना जाता है नारियल फोड़ना और बलि देना बराबर ही है, जहाँ भी नारियल चढ़ते हैं वो उसी हिसाब से चढ़ते होंगे, लेकिन हमारे कुमाऊँ गढ़वाल में इसी हिसाब से चढ़ाया जाता है नारियल, बलि प्रथा की, बलि प्रथा की, ये बचपन से ही था, अब क्या कहते हैं पूर्वजों ने ऐसे ही बताया हम लोगों को, तो अब हम उसका वो पालन कर रहे हैं, बस हो गया, हाँ जो हमने कथाएँ सुनी हैं वो किए हैं वो इसी के अनुसार है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं वापस से इनके घर में, और यहां चाय बहुत बेहतरीन चाय बनाई है राजू मैंने। चाय किसने बनाई? मैंने बनाई, बहुत बेहतरीन चाय है। आपने बनाई? हाँ, शहर में बनाते हैं। तो दोस्तों यहां पे अभी ताऊजी भी आ गए हैं और यहां बन रही है पूड़ियां, पूड़ियां बन रही है बढ़िया से, आसपास की जो महिलाएं हैं, परिवार की जो महिलाएं हैं वो बना रही है पूड़ियाँ, और देखो कितनी बढ़िया है। वाह यार, ए चाय भी जाओ, उम्दा बना रहे हैं खीर। उम्दा क्या क्या डाला है इसमें? इसमें काजू किशमिश बादाम, चावल भी डाले? नहीं डाले चावल, डाले क्यों नहीं डाले, क्योंकि इसमें बहुत ऊपर से माल जाता दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, चावल डाला पहले तो दूध में पका लिया इसको काफी अच्छा, लगभग दूध की मात्रा ज्यादा है, बहुत सुंदर लग रहा है। चंदा इसमें क्या बन रहा है? ओ चंदा इसमें क्या बन रहा है? इसमें लौकी की सब्जी बन रही है। अच्छा, पूरी के साथ इसको खाया जाएगा बढ़िया से। ये देखिए दोस्तों, ये डाल रहे हैं बढ़िया से पूरी, ईजा डाल रही, ईजा बढ़िया फुलनी नहीं आता पूरी। तो दोस्तों अभी 12 बज गए, 12:55 मतलब 1 बजने वाला है, और सुबह बन रही थी पूड़ियाँ, तो अभी रोटी बन रही है। ये देखिए रोटी बनाई जा रही है, दो चूल्हे लगे हैं अलग अलग से। तो आज जो चमु पूजा होती है उसमें रोटी विशेषकर बनते हैं, जैसे कि ताऊजी भी बता रहे थे, तो इस वजह से रोटियाँ बनाई जा रही हैं।
तो दोस्तों फिलहाल पूजा वूजा हो गई है, मैं मंदिर में जा नहीं पाया इस वजह से आपको पूजा दिखा नहीं पाया, लेकिन अभी खाना पीना जो है शुरू हो चुका है। ज़्यादातर लोग खा पी के जा चुके हैं और कुछ कुछ लोग अभी खा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं घर में और बढ़िया से पूजा यहाँ पे होती, खाना वाना हो गया था। तो अभी फ़िलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपने देखा कि मैं जो बता रहा था चमू देवता के बारे में वो अलग था, मैंने इंटरनेट पे पढ़ के वो आपको बताया, और जो ताऊजी ने बताया वो एकदम अलग था, मतलब बहुत ही उसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें थी। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम, टाटा।